तू नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए। जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है। ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते। इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे है। तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्मों की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए है। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को अमेज़न प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे सिनेमा घरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा, वो भी अमेज़न प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था, इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्मों में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्मों में नहीं था लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर अमेज़न प्राइम प्लेटफॉर्म पे और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सलगावंकर परिवार, जाने क्या है फिल्म दृश्यम 2 की कहानी। दृश्यम फिल्म जिसमें अजय देवगन और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से सभी लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और इसके सीक्वल को देखने के लिए बेकरार थे तो आपको बता दें कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम के बाद 2022 में इस फिल्म का अगला पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। 7 साल बाद एक बार फिर अजय देवगन यानी विजय सलगावंकर का केस खुल रहा है। इस केस को अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ट्रेलर पिछले ट्रेलर और फिल्म की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। पिछली फिल्म में जो मर्डर हुआ था उसकी बॉडी की तलाश 7 साल बाद भी जारी है। कई ट्विस्ट और टर्न्स है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली फिल्म की तरह यह फिल्म भी एक इमोशनल रोल कोस्टर और एक शानदार थ्रिलर होने वाली है। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन का किरदार यह कहता है कि वो पुलिस के सामने कन्फेशन करने जा रहा है। वो कन्फेशन क्या है, उसमें क्या बोला जाता है और पुलिस का रिएक्शन उस पर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब लोगों को फिल्म में ही मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर समेत कई दूसरे सितारे हैं। दृश्यम 2 थिएटर्स में 18 नवंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। अगर आपको फिल्म दृश्यम 2 का लुत्फ उठाना है तो उससे पहले आपको दृश्यम फिल्म जरूर देखनी होगी।
जिसके चलते आपको फिल्म का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए हम आपको दृश्यम की कहानी बताते हैं, जिसको आपको दृश्यम 2 देखने में आसानी होगी। विजय सलगावंकर का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में किया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल टीवी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी और दो बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू गोदली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, और उनकी छोटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन्य पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकतें हैं, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैर हाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिसमें सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छुपाते देख लेती है। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है, और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल है। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे उसे देख लेता है, जो विजय से भैर भाव रखता है। विजय पणजीम के सफर में सैम के मोबाइल सिम और कार को ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पणजिम में फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने घूमने जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सैम की गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौकाए वारदात के मामले की छानबीन करेगी, पर जब वही सवाल प्रत्येक सदस्यों से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं, और अपनी बात साबित करके वो रेस्टोरेंट की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा सभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलता है, जिससे ये प्रमाण किया जाए कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अनु मार के डर से शव छिपाने जाने के स्थान का पता बताती है, फिर उसी खाद वाले गड्ढे की खुदाई में उन्हें क्षत विक्षत बछिए का शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय एन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई कराता है। नतीजन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छिपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वहीं दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर अप्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसे के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद
नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में जाहिर चढ़ाने पहुंचता है। वहीं नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। जो ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते हैं, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमा रही करोड़ों में दृश्यम 2। सफलता से खुश अजय देवगन ने रखी शानदार पार्टी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की रिलीज को एक पखवाड़ा होने आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड में भी फिल्म का जलवा बरकरार है। दृश्यम 2 ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से ही किया धमाका करने वाली है। 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 14 दिनों तक काफी शानदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन इसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दृश्यम 2 ने 21.59 करोड़ जुटाए और तीसरे दिन 27.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन की परीक्षा में भी फिल्म ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 11.87 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इसके बाद वीकेंड्स के कारण आठवें दिन तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार मामूली गिरावट जा रही। पांचवें दिन फिल्म ने 10.48 करोड़ रुपए कमाए, छठे दिन 9.55, सातवें दिन 8.62 करोड़ और आठवें दिन 7.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे वीकेंड्स में भी फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल आया। दृश्यम ने नौवें दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाए और दसवें दिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17.32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई फिर घटी और इसमें मामूली गिरावट जारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह को देखते हुए और उस पर भी वीकेंड्स में फिल्म का यह कलेक्शन खराब नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11वें दिन फिल्म ने 5.44 करोड़ रुपए जुटाए, 12वें दिन 5.15 करोड़ और 13वें दिन 4.68 रुपए कलेक्शन किया। और फिल्म का 14 दिन का कलेक्शन भी काफी शानदार रहा है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 4.30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 163.47 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे सप्ताह के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वीकेंड में भी एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा। फिल्म का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। और अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बात करें सामने आई वीडियोज में, तो वीडियो में एक्ट्रेस तब्बू ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंची थी। उनका ये लुक खूब वायरल हो रहा है। वही फिल्म में अजय देवगन की पत्नी बनी श्रिया सरन दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वही बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दृश्यम 2 के सक्सेस पार्टी में आए बेहद सादगी भरे लुक में नजर आए हैं। उनका ये लुक लोगों को खूब पसंद आया। इस पार्टी में अजय देवगन की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही इशिता दत्ता भी पहुंची, जो एकदम अलग ही ड्रेस में नजर आ रही है। वो इस ड्रेस में ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में पहुंचे। मैडम जी सामने देखिए, थोड़ा आगे आइए ना। Money.
Thank you, thank you. Amna is somewhere there, na? Avinash? Sab ready hai? Amna, Amna. Ready? Ready. Ready. Ready, guys? Ready. Okay, Dheeraj ji, पहले तो बहुत-बहुत बधाई. Thank you. काफी अच्छा चल रहा है गाना और काफी नाम के पीछे कुछ ऐसी ट्विस्ट है हमारे इंडस्ट्री में जो अलग से ही निकलते हैं जितने भी कबीर आज तक मैंने देखे. क्या कहना चाहूँ, कितने अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं लोगों. यार आई एम गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स, आई एम गेटिंग ग्रेट फीडबैक अबाउट द सॉन्ग, अबाउट द वीडियो. जिसने भी देखा है बहुत तारीफ़ की. जो स्टोरी लाइन थी, जो गाना है, जो लोकेशंस हैं, जो हमने थोड़ी बहुत एक्टिंग की है, स्पेशली प्रतीक सैंग इट सो वेल. उन्होंने बहुत अच्छा गाया, वो दिल को छूती है उनकी आवाज़. एंड आई ट्राई टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर कबीर. और द सॉन्ग केम आउट सो ब्यूटीफुल एंड द वीडियो केम आउट सो ब्यूटीफुल एंड आई एम गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स. धीरज, हाउ दिस सॉन्ग केम टू यू, कुछ बताना चाहोगे? यार आमना इज़ हियर, लेट्स हैव आमना आल्सो विद अस. Yeah. Yes. Amna, firstly a big congratulations. Good to Thank see you. You. After long time in a music video and yes. Bang on, great response. What do Thank you want to say? Kis tarah ke response aap logo ko 24/20? I think we are getting like really positive and good and people are really like excited. Yeah, yeah, yeah. They are super excited. Main bata raha tha ki mujhe kaise, mujhe Prateek ne call kiya, the singer. And he approached me for the song. Aur maine jab song suna to I told my wife Winnie ki this song I want to do and I will do this song. And some of the things fell into place. It just and fell I into place, yeah. Yeah. And I was surprised कि आमना और मुझे पहले कभी क्यों नहीं एक साथ कास्ट किया गया. मैं जब आमना से पहली बार मिला हूँ, मैंने आमना को यही बात बोली कि मुझे it's been 14 years for me in the industry. हम दोनों को एक साथ हेलो हाय हाउ आर यू गुड 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 सो मैं यही कहता कि हम दोनों को सभी एक साथ कभी कास्ट क्यों नहीं किया. एंड दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म टू बी ऑन. Yeah, sure. So,
Yeah, I think it was same as him. Yeah, when I heard the song, I knew that I had to do it. And when I heard that he was doing it, of course. Yeah. And I'm glad that they thought she was the one. Actually, she's really done a she's lot our, of research. She's our producer, and creative, got us together. Afsana. Yeah. So I think she got the whole team together, and we made this beautiful song. Dheeraj, after me, bhi kuch mahinon ki baat karu, jis tarah ka pyar mil raha hai, show ko bhi pyar mil raha hai, gaane ko kitna bless feel kar pa raha hai, is tarah ki audience aapko jitni pyar deti hai, Dheeraj. Great, yaar. Main sirf shukrguzar hoon unka. I'm very thankful. I feel blessed ki itna pyar milta hai mere projects ko, chahe wo show hain, chahe gaane hain. Main sirf ye kehta hoon ki main इतना प्यार है मैं थोड़ा बहुत भी वापस दे पाऊँ बाय डूइंग जस्टिस टू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई विश एंड आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई फील ब्लेस्ड बिकॉज आई एम गेटिंग ऑल योर लव गाइस थैंक यू सो सो मच थैंक यू सो मच लव आई कीप ऑन सीइंग ऑल योर फैंस क्रिएटिंग ऑल द थिंग्स दे डू ग्रेट जॉब आई मीन कीप ट्रेंडिंग मी ऑन ट्विटर कीप ट्रेंडिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो आई एम रियली टच्ड एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस थैंक यू सो सो मच हाय सवाल आपसे था काफ़ी ब्रेक ऑन एंड ऑफ दिखते हैं बट सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं आप पता नहीं कमेंट सेक्शन कितना बढ़ते बट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा हो रही थी यू शुड कम अप विद एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग रियली यस और इस तरह का गाना आना और इस तरह के धीरज जी के साथ रहना और इस तरह की केमिस्ट्री पिक्चर में भी काफी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है आप दोनों की पीपल आर स्पीकिंग अबाउट ओवरऑल व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द रिस्पांस फ्रॉम योर फैंस आई एम सेइंग आई मीन इट्स लाइक अ टेरिफिक रिस्पांस दैट वी हैव गॉट बट आल्सो आई वांट टू थैंक Dheeraj, because it's not possible to get this kind of chemistry if you're co-star. Come it's on, always a give no, and take. No, no, it's you. So yeah, he made me so comfortable. No, it's it was you. Like, I mean, the first time we met and we cracked, you know. It just happened. It just happened. I mean, we were into each other and, you know, we were like, we didn't discuss anything. We were just on the stage and performing. And I think that was very natural to us. And we tried to keep it more organic. I think that is what works in chemistry, yeah, yes, in yes, romance, yes, you know. Yes. Chemistry, physics, more you and try and to, medics, yes, yeah. Absolutely. It feels good, yeah, when people appreciate your work. Come this side, yeah. For the mic. Yeah. It feels good when people appreciate what you're doing, and I got a lot of messages from their fans saying that they've done really good, your video is good, so it was good, yeah. What did you choose Abad as a project and what did you choose the project as? So because it was very melodious when I heard that I really loved the song and I could connect and I thought people will connect with this so yeah that is why. How is your difficult was to bring the big stars in the project as such? It was not that difficult. Yeah, they were very happy and they were ready to come on board. And so they told me that Afsana, Amna is doing it. And they told Amna that I'm doing it. So we came together. Yeah, so yeah. We just came together. It just happened. Yeah. So there are more music videos coming. I think you should just wait for it, and I should not reveal about that. So because then everyone will come to know about it. So let's keep it like a surprise. As it's a new channel, people will come and see, and my channel will grow, and that is a perk for me. So yeah, bye. Come. You want to come here, Pratik? Go. यस यस प्लीज कम आप भी नहीं रहो कहाँ जा रहे हो यस प्लीज आस्क आई फील ग्रेट दिस इज अ वेरी बिग सॉन्ग फॉर मी एज आई सेड आई स्पोक टू दिनेश आल्सो इन द मॉर्निंग दैट दिस इज द बिगेस्ट माइलस्टोन इन माय एंटायर करियर ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन एंड बीइंग एज अ सिंगर एंड शी इज द वन हु टुक इट फॉरवर्ड यस एक्सपीरियंस इज इट्स अ राइड सो एंड इट हैज टू बी अ राइड Otherwise, you don't miss anything. You'll just pass it off. Yeah. Thank you so much, guys. अच्छा अपना चल रहा है वहाँ पर मैं तो अभी आई हूँ बार बार फोन आ रहा हूँ
सर यहां पे एक सवाल है। थैंक यू। चारों लोग साथ हैं, बिल्कुल आइए। कम धीरज, विल गो देयर। आइए बोलिए। और सेट उधर किधर छुप के मैं नाम दिला देता हूँ उसका। चलो सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए। जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है। ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते। इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्म की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए है। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे सिनेमा घरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा, वो भी Amazon प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था। इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्म में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्म में नहीं था लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म पे और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सलगावंकर परिवार, जाने क्या है फिल्म दृश्यम 2 की कहानी।
दृश्यम फिल्म जिसमें अजय देवगन और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से सभी लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और इसके सीक्वल को देखने के लिए बेकरार थे, तो आपको बता दें कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम के बाद 2022 में इस फिल्म का अगला पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। 7 साल बाद एक बार फिर अजय देवगन यानी विजय सलगावंकर का केस खुल रहा है। इस केस को अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ट्रेलर पिछले ट्रेलर और फिल्म की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। पिछली फिल्म में जो मर्डर हुआ था, उसकी बॉडी की तलाश 7 साल बाद भी जारी है। कई ट्विस्ट और टर्न्स है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली फिल्म की तरह यह फिल्म भी एक इमोशनल रोल कोस्टर और एक शानदार थ्रिलर होने वाली है। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन का किरदार यह कहता है कि वो पुलिस के सामने कन्फेशन करने जा रहा है। वो कन्फेशन क्या है, उसमें क्या बोला जाता है और पुलिस का रिएक्शन उस पर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब लोगों को फिल्म में ही मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर समेत कई दूसरे सितारे हैं। दृश्यम 2 थिएटर्स में 18 नवंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। अगर आपको फिल्म दृश्यम 2 का लुत्फ उठाना है, तो उससे पहले आपको दृश्यम फिल्म ज़रूर देखनी होगी, जिसके चलते आपको फिल्म का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको दृश्यम की कहानी बताते हैं, जिसको आपको दृश्यम 2 देखने में आसानी होगी। विजय सलगावंकर का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में किया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल टीवी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी और दो बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन्य पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकतें हैं, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैर हाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिसमें सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छिपाते देख लेती है। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल है। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे उसे देख लेता है, जो विजय से भैर भाव रखता है। विजय पणजीम के सफर में सैम के मोबाइल सिम और कार को ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पणजिम में फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने घूमने जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सैम की गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौकाए वारदात के मामले की छानबीन करेगी, पर जब वही सवाल प्रत्येक सदस्यों से एकांत में पूछा जाता है, तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करके वो रेस्टोरेंट की रसीद,
फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा सभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलता है, जिससे ये प्रमाण किया जाए कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अनु मार के डर से शव छिपाने जाने के स्थान का पता बताती है, फिर उसी खाद वाले गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत विक्षत बछिए का शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय एन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई कराता है। नतीजन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छिपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वहीं दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर अप्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसे के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में जाहिर चढ़ाने पहुंचता है। वहीं नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। जो ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते हैं, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमा रही करोड़ों में दृश्यम 2 सफलता से खुश अजय देवगन ने रखी शानदार पार्टी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की रिलीज को एक पखवाड़ा होने आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड में भी फिल्म का जलवा बरकरार है। दृश्यम 2 ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से ही किया धमाका करने वाली है। 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 14 दिनों तक काफी शानदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन इसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दृश्यम 2 ने 21.59 करोड़ जुटाए और तीसरे दिन 27.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन की परीक्षा में भी फिल्म ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 11.87 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इसके बाद वीकेंड्स के कारण 8वें दिन तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार मामूली गिरावट जा रही। 5वें दिन फिल्म ने 10.48 करोड़ रुपए कमाए, 6ठे दिन 9.55, 7वें दिन 8.62 करोड़ और 8वें दिन 7.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे वीकेंड्स में भी फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल आया। दृश्यम ने 9वें दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाए और 10वें दिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17.32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई फिर घटी और इसमें मामूली गिरावट जारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह को देखते हुए और उस पर भी वीकेंड्स में फिल्म का यह कलेक्शन खराब नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11वें दिन फिल्म ने 5.44 करोड़ रुपए जुटाए, 12वें दिन 5.15 करोड़ और 13वें दिन 4.68 रुपए कलेक्शन किया। और फिल्म का 14 दिन का कलेक्शन भी काफी शानदार रहा है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 4.30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 163.47 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे सप्ताह के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वीकेंड में भी एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा। फिल्म का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। और अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बात करें सामने आई वीडियोस में, तो वीडियो में एक्ट्रेस तब्बू ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंची थी। उनका ये लुक खूब वायरल हो रहा है। वही फिल्म में अजय देवगन की पत्नी बनी श्रिया सरन दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इसमें वो बेहद हसीन लग रही थी।
वहीं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दर्शन 2 के सक्सेस पार्टी में आए बेहद सादगी भरे लुक में नजर आए हैं। उनका ये लुक लोगों को खूब पसंद आया। इस पार्टी में अजय देवगन की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही इशिता दत्ता भी पहुंची, जो एकदम अलग ही ड्रेस में नजर आ रही है। वो इस ड्रेस में ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में पहुंचे। I've promised Dheeraj that ke video main uske saath dekhunga, abhi se aage main dekhunga aur fir apna review dunga. I've heard great things, the video is looking great jitna bhi maine dekha hai, and all the best wishes to them. Great. बहुत अच्छी लग रही है, मैंने जो भी क्लिप देखे हैं लुकिंग वेरी फ्रेश एंड नाइस, अच्छी लग रही है दोनों की पेयरिंग, एंड आई होप इट डज रियली वेल। यही कि आई होप दिस बिकम्स अ सुपर हिट, ऑल द बेस्ट। यू विल नो अबाउट इट सून। आर यू फॉलोइंग बिग बॉस? या वी आर ऑन एंड ऑफ, जब भी मौका मिलता है देखते हैं। सभी सही है यार। कोई आपका पर्सनल फेवरेट? यार मेरा तो स्टार्टिंग से अब्दू ही था। आई मीन एटलीस्ट वो घर में एक बहुत ही सही पॉजिटिव वाइब रहती है, लगता है कोई बच्चा है घर में। सो आई थिंक मेरा फेवरेट अब्दू ही है, तब भी वही था जब शुरू हुआ था, अभी भी अब्दू ही है। नो आल्सो वी लाइक अंकित एज वेल, आई थिंक वो बहुत ही अपना डिग्निफाइड वे में, हां ना ज्यादा लड़ाई करता है ना कुछ पंगा, ठीक है अपना चलते रहो। आई थिंक ही इज आल्सो प्लेइंग वेल। नहीं यार, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मेंटल हेल्थ पे कमेंट करना चाहो, वो लगातार कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर एक सेलिब्रिटी ही कमेंट कर रहा है। आई फील इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, यू नो मेंटल इशू को हम इंडिया में इतना सीरियसली लेते नहीं है, बट जितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, पीपल आर गोइंग थ्रू इट अ लॉट, और इतना कैजुअली वो चीज़ बोल देना आई थिंक वॉज वेरी वेरी अनफेयर। बट आई फील वो घर ऐसा है दैट गुस्से में चीजें बोली जाती हैं, बट वन हैज टू कंट्रोल। ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो दूसरे को चुभे, सो दैट्स आई फील दैट्स व्हाट द हाउस इज। चाहिए वो चीज, थोड़ा सा माइंडफुल होके रहना चाहिए सबको। अब्दू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? ऐसा वो मुझे लगता है कि वो बहुत चिल्ड आउट है, जिस तरह से वो मस्ती मजाक करता है, हंसता रहता है, आई लव हिज लाफ्टर। तो वो मुझे लगता है कि वो इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है घर में, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल आई नो। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट जो सॉन्ग है वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स प्रताप एंड हरीश ने जो है वो डायरेक्ट किया है, सो दे आर माई वेरी क्लोज। और जब मैं मुंबई में आया था मैं तब उनसे मिला था, सो मतलब आप कह सकते कि मैं उनके सामने ही बड़ा हूँ। सो और आज इतना अच्छा सॉन्ग देख के और जो स्टोरी नरेशन है सॉन्ग का एंड द वीडियोग्राफी एंड द वे दे प्रेजेंट द सॉन्ग, इट्स फैबुलस। एंड ऑफ कोर्स धीरज धुपड़ हैं सॉन्ग में एंड आमना है, सो आमना इज लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री का मैं बादशाह हूँ और मैं केमिस्ट्री को ऐसे पकड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बायोलॉजी पे जाता हूँ। बायोलॉजी सॉन्ग में है नहीं बट केमिस्ट्री अच्छी है। आपको कैसा फील होता है वीडियोस देख के? बस समझ लो फिर मुझे भी अच्छा फील होता है एंड आई लव द फीडबैक
दे ऑल आर गिविंग मी एंड दे आर इंस्पायरिंग मी लॉट और मैं और भी ज़्यादा रोमांटिक और सिडक्टिव वीडियोज बनाता रहूँगा एंड अर्शी को आज मैं मिस कर रहा हूँ बिकॉज शी इज़ इन भोपाल. हाँ जितना हो सकता है अर्शी के साथ बैठ के आई फॉलो बिकॉज शी इज़ बिग बॉस क्वीन तो जितना भी होता है मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ. अर्चना बिकॉज शी इज़ वेरी बिंदास एंड आई थिंक द वे शी पोर्ट्रे हरसेल्फ इट्स लाइक वो राखी सावंत का थोड़ा प्रतीक उनके अंदर दिखता है मुझे थोड़ा सा. सी अभी मैं किसी को भी जज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच सो आई कांट से एनीथिंग. फॉर वॉट फॉर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हेयर फॉर दिस सॉन्ग सो मैं वही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा सॉन्ग को प्यार दो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू धीरज एंड आमना. जब खास दोस्त का कुछ भी प्रोजेक्ट आता है लाइक धीरज जी तो अब फैंस को इतने सर नए नए प्रोजेक्ट से शेरगिल हो गए या फिर ये गाने की बात हो गई किस तरह से लग रहा है धीरज धीरज का 2.0 वर्जन क्यों चाहिए हमें जो एक धीरज है वो ही इतना बॉम्बास्टिक है कि यू नो यू कांट गेट इनफ ऑफ हिम चाहे वो म्यूजिक एल्बम हो चाहे वो झलक दिखला जा जब कर रहे थे या फिर जब अभी हमारा कुंडली भाग्य कर रहे थे शेरदी शेरगी सब में इतने अच्छे हैं कि नो वन कैन हैव इनफ ऑफ हिम और सब चाहते हैं कि वो कुछ और नया करते जाए सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी हिम. मुझे लगता है कि गाना तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मुझसे मेरे सजेशंस मांगे तो गाना बहुत बेहतरीन है. वो खुद इतने अच्छे इंसान और अदाकारा है तो जो कुछ भी करेंगे वो बेहतरीन ही होगा. बाकी ये कहूँगा कि सच में शेर दिल है yes. है ना शेर का जिगर है और मस्त इंसान. ये एक गलत स्टेटमेंट है. लेट्स से धीरज धूपर को किसी की सजेशन नहीं चाहिए. धीरज धूपर जस्ट बताते हैं कि देख भाई कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं. यू नो ही लव्स हिमसेल्फ एंड वी लव हिम टू मच सो दैट्स इट. ही डिडंट आस्क फॉर सजेशन. ही जस्ट सेड कि देख भाई मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ. यू हैव टू एग्री टू दैट. देखो कभी-कभी क्या होता है ना कि गलत स्टेटमेंट सामने वाले से ये कह के कि बता मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ तो ये वो तरीका है कि ये सजेशन. And what do you want to say about the chemistry between Kya? काफी अच्छी on pair का fresh pair है हम fans के लिए. आप क्या कहना चाहोगे? सी मैं शायद थोड़ी सी बायस रहूँगी क्योंकि धीरज मेरा इतना अच्छा दोस्त है तो उनकी पेयरिंग हम ही इज़ माय फ्रेंड्स आई हैव टू सो उनकी पेयरिंग हर किसी के साथ अच्छी होती है बट या फ्रेश पेयर है. आई एम श्योर द ऑडियंस इज़ गोइंग टू गिव देम टू मच लव और आगे भी पेयर दिखता जाए दैट्स व्हाट वी फील. इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसमें निमृत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उनके साथ में मैंने शो किया एक बट मैं फॉलो नहीं करता. किस तरह का गेम कुछ देखा रहेगा? नहीं अरसा हो गया मुझे. अभी हाल ही में निमृत ने ऑन टीवी डिप्रेशन को लेके काफ़ी सारी बातें की. अच्छा उनकी मॉम से भी जब ब्रेकअप हुआ. अच्छा आप कभी उनसे मुलाकात हुई तो डिप्रेशन को लेके? नहीं नहीं मेरी मुलाकात उनसे हुई है कुछ हो गया ये अरसा हो गया मेरे हिसाब से कुछ महीने हो गए काफ़ी तो मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है. मुझे लगता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसका सही आंसर वो बाहर निकल के देगी. आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट नए गाने को लेके वुड यू लाइक टू डू एनी सॉन्ग कोई ऐसा? आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग क्योंकि आई हैव जस्ट एंटर दिस इंडस्ट्री तो मुझे सब कुछ करना है चाहे वो रोमांटिक हो चाहे डांस हो चाहे सैड हो चाहे फैमिली ओरिएंटेड हो एवरीथिंग. एनी सॉन्ग विद दिस वंडरफुल कपल टुगेदर फॉर द ऑडियंस? आई होप समथिंग रियली कम्स सून एंड यू आस्क अस द सेम क्वेश्चन. थैंक यू.
थैंक यू। आई नो राइट, आप सबने देखा ही होगा अभी, इट्स अमेजिंग, आई लव द सॉन्ग, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, सो आई हैड टू बी, यार सेलिब्रेट करना तो बनता है। यस, मुझे भी बहुत अच्छे लगे एंड मैंने इनफैक्ट मैं थोड़ी लकी हूँ तो मैं सब थोड़ा पहले ही देख लेती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे एंड आई टोल्ड धीरज, ऐसे इतना हॉट कपल है, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इतना अच्छा शूट किया हुआ है कि मज़ा आ गया देख के। मेरी तरफ से अभी तो मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ अपने घर में अपने बेबी के साथ, इसलिए आज मैं शायद लेट आई हूँ, धीरज पहले आ गए, और बट आई वॉन्टेड टू बी हियर, ये सेलिब्रेट करना बनता है, इतना अच्छा गाना है एंड यू नो इट्स डूइंग सो वेल, तो सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहती थी इसलिए थोड़ी देर आई हूँ, वैसे मैं बहुत बिजी हूँ। यही बोलना चाहूँगी, एक्चुअली बोलने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी बोलूँगी कि ज़रूर देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आमना एंड धीरज आर लुकिंग सो नाइस टुगेदर, इतनी फ्रेश पेयरिंग है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉन्ट टू सी देम टुगेदर अगेन सून, तो आप लोग भी देखिए एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, थैंक यू। Thank you. It's Dheeraj's music video with Amna and been a fan of Amna since years now और दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हाय हाय, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैंने कुछ बिट्स एंड पीसेस देखे हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड जॉइन द पार्टी। मैंने कहा ना कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतनी अच्छे पोस्टर है म्यूज़िक वीडियो का, सो आई बिलीव द वीडियो द म्यूज़िक वीडियो द सॉन्ग विल ऑल्सो बी अमेजिंग, सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। सॉन्ग आया था अर्जित सर के साथ तो आपने तो धमाका कर दिया था इंटरनेट में, तो क्या कहना चाहोगे जब आप आते हो तो धमाका कर देते हो? हाँ, लेकिन अभी एज सच मेरा कुछ म्यूज़िक वीडियो आया नहीं है, तो आई थिंक जब दूसरी बार आएगा मेरा म्यूजिक वीडियो तो तब और धमाका होगा, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग एंड मेंशनिंग माय म्यूजिक वीडियो भी। इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग है धीरज जी का, जैसे शो भी आया, झलक आया, नाउ द इंडिपेंडेंस, इट्स गोइंग वेरी काइंडली ऑफ धीरज, डू यू थिंक सो? हाँ हाँ, आई मीन धीरज की मेहनत है, उनकी लगन है एंड ही इज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड नाउ, आई मीन he's doing so good for himself and of course Amna too, yes.
आई मीन दे आर सच बिग स्टार्स एंड जब दोनों सितारों को ऐसे देखते हैं तो हम सितारों का क्या काम, हमारा काम है अंदर जाके पार्टी करना। आपकी सिस्टर श्रद्धा आर्या आ रही है कि नहीं कुछ अगर आप? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी श्रद्धा, क्योंकि हम जस्ट अभी शूट ख़त्म किया और हम सब निकले हैं शूट से, तो आई थिंक आई एम ऑलरेडी लेट, आई थिंक आई शुड गो इनसाइड। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। यार मैंने इस बार बहुत ही कम फॉलो किया है बिग बॉस, बट जो सलमान के साथ जो वीकेंड का वार होता है वो मिस नहीं करती हूँ, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ माई शूटिंग स्केड्यूल वो भी मिस हो गए हैं कुछ दिनों से, सो या आई वोंट बी एबल टू कमेंट मच ऑन बिग बॉस। हाउ मच वीकेंड का वार यू हैव सीन दिस सीजन? पता नहीं लास्ट मैंने क्या देखा था, मुझे खुद याद नहीं है। आई थिंक आई डोंट नो यार, मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोग को बुलाऊंगी और पक्का इंटरव्यू दूंगी इसके बारे में। लॉकअप ऑफकोर्स, अगर मुझे बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, ऑफकोर्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कहाँ से जाना है? यहाँ से वन ऑन वन चालू हो जाएगा। How are you all doing? Sorry, would you be a little louder? Yeah, I'm wishing them all the very best, yeah. As you all know, Dheeraj, I have done, work with him for the longest of the time. He's like a brother to me. I can proudly call him a brother. He's doing so good for himself and kitna acha lag raha. So I have just come here to wish them all the very best, to all the producers and to the entire team. ले आओ यार, काम कर लेंगे। ऑफ कोर्स यार, आई मीन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आई शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इफ समथिंग इंटरेस्टिंग विल कम अप व्हाई नॉट, डेफिनेटली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। I'm very happy to see I'm here for Dheeraj. He's my friend. I'm very happy for I know Amna, so मैं बहुत खुश हूँ, दोनों को मिलूँगी अभी अंदर जाके, and it's great, it's looking good, and whatever Dheeraj does turns to gold, so that's great. Yes, there is a lot, and sab kuch, I mean everything will be promoted in due course of time. I can't talk about it here, it's not my promotion. So yeah, but 2023 I'm hoping everything will be out. Bahut sara kaam hai jo aane wala, and I'm really looking forward to it.
चलेगी कि कोई है अंदर? धीरज सर बस पीछे जा रहे थोड़ा तू हमेशा मेरी रॉन्ग प्रोफाइल से शूट करता है इधर आ सब इधर आओ चलो सब इधर आओ पहले है ना अभी आप आ जाइए बिल्कुल राइट राइट प्रोफाइल पे आ गए हम लोग बोला नया फोन ले तो नया लाइट लेकर आ गया वो भी मिला है उसको चलो ओके एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग आई लास्ट मैं पूछता हूं श्रद्धा जी फर्स्टली व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द सॉन्ग I think it's a fabulous song. It's very melodious. I loved the lyrics. I loved the looks of Dheeraj. Dheeraj usually, बहुत ही एक flamboyant roles करता है, all suited up and stuff. But in this particular song, he's very simply dressed. So, अपने एकदम simple attire and looks में he's looking fab. And chemistry kaisi lagi I loved it I love Amna Sharif I've been a fan of her for the longest time and she's looked fab I mean it's so amazing that she has continued to look so beautiful from the time of what was the show kahi to hoga till now and it's no mean feat I mean It's going very good here for Dheeraj. Show bhi acha chal raha hai. Jalak bhi kafi acha unhone perform kiya. And song ki to baat karu kafi. I think it's been going really well for Dheeraj since Kundali Bhagya started. Since I met her, I think I'm her lucky charm. Aur Shraddha ji, iske alawa Big Boss aap dekh paate ho kuch follow? Nahi, I don't follow Big Boss. Thank you. Yahan bhi visuals kar lete hain. Ek last. सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है अजय देवगन तब्बू अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे है तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह और साथ ही में फिल्मों की स्टोरी भी आपको बताएंगे बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon Prime ने खरीद लिए है ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon Prime पर देख सकेंगे जैसे सिनेमा घरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा वो भी Amazon Prime पर
बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था, इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्मों में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्मों में नहीं था लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म पे और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सलगावंकर परिवार, जाने क्या है फिल्म दृश्यम 2 की कहानी। दृश्यम फिल्म जिसमें अजय देवगन और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से सभी लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और इसके सीक्वल को देखने के लिए बेकरार थे, तो आपको बता दें कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम के बाद 2022 में इस फिल्म का अगला पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। 7 साल बाद एक बार फिर अजय देवगन यानी विजय सलगावंकर का केस खुल रहा है। इस केस को अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ट्रेलर पिछले ट्रेलर और फिल्म की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। पिछली फिल्म में जो मर्डर हुआ था उसकी बॉडी की तलाश 7 साल बाद भी जारी है। कई ट्विस्ट और टर्न्स है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली फिल्म की तरह यह फिल्म भी एक इमोशनल रोल कोस्टर और एक शानदार थ्रिलर होने वाली है। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन का किरदार यह कहता है कि वो पुलिस के सामने कन्फेशन करने जा रहा है। वो कन्फेशन क्या है, उसमें क्या बोला जाता है और पुलिस का रिएक्शन उस पर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब लोगों को फिल्म में ही मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर समेत कई दूसरे सितारे हैं। दृश्यम 2 थिएटर्स में 18 नवंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। अगर आपको फिल्म दृश्यम 2 का लुत्फ उठाना है तो उससे पहले आपको दृश्यम फिल्म जरूर देखनी होगी, जिसके चलते आपको फिल्म का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए हम आपको दृश्यम की कहानी बताते हैं, जिसको आपको दृश्यम 2 देखने में आसानी होगी। विजय सलगावंकर का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में किया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल टीवी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू गोदली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन्य पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकतें हैं, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैर हाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिसमें सैम की तत्काल मौत हो जाती है।
भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छुपाते देख लेती है। अगली सुबह नंदनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल है। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे उसे देख लेता है, जो विजय से भैर भाव रखता है। विजय पणजीम के सफर में सैम के मोबाइल सिम और कार को ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पणजीम में फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने घूमने जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सैम की गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौकाए वारदात के मामले की छानबीन करेगी, पर जब वही सवाल प्रत्येक सदस्यों से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करके वो रेस्टोरेंट की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा सभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलता है, जिससे ये प्रमाण किया जाए कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अनु मार के डर से शव छिपाने जाने के स्थान का पता बताती है, फिर उसी खाद वाले गड्ढे की खुदाई में उन्हें क्षत विक्षत बछिए का शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय एन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई कराता है। नतीजन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदनी शव छिपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वहीं दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर अप्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसे के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में जाहिर चढ़ाने पहुंचता है। वहीं नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। जो ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते हैं, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमा रही करोड़ों में दृश्यम 2 सफलता से खुश अजय देवगन ने रखी शानदार पार्टी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की रिलीज को एक पखवाड़ा होने आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड में भी फिल्म का जलवा बरकरार है। दृश्यम 2 ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से ही किया धमाका करने वाली है। 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 14 दिनों तक काफी शानदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन इसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दृश्यम 2 ने 21.59 करोड़ जुटाए और तीसरे दिन 27.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन की परीक्षा में भी फिल्म ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 11.87 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इसके बाद वीकेंड्स के कारण आठवें दिन तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार मामूली गिरावट जा रही।
पांचवें दिन फिल्म ने 10.48 करोड़ रुपए कमाए, छठे दिन 9.55, सातवें दिन 8.62 करोड़ और आठवें दिन 7.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे वीकेंड्स में भी फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल आया। दृश्यम ने 9वें दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाए और 10वें दिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17.32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई फिर घटी और इसमें मामूली गिरावट जारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह को देखते हुए और उस पर भी वीकेंड्स में फिल्म का यह कलेक्शन खराब नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11वें दिन फिल्म ने 5.44 करोड़ रुपए जुटाए, 12वें दिन 5.15 करोड़ और 13वें दिन 4.68 रुपए कलेक्शन किया। और फिल्म का 14 दिन का कलेक्शन भी काफी शानदार रहा है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 4.30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 163.47 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे सप्ताह के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वीकेंड में भी एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा। फिल्म का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। और अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बात करें सामने आई वीडियोस में, तो वीडियो में एक्ट्रेस तब्बू ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंची थी। उनका ये लुक खूब वायरल हो रहा है। वही फिल्म में अजय देवगन की पत्नी बनी श्रिया सरन दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वही बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दृश्यम 2 के सक्सेस पार्टी में आए बेहद सादगी भरे लुक में नजर आए हैं। उनका ये लुक लोगों को खूब पसंद आया। इस पार्टी में अजय देवगन की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही इशिता दत्ता भी पहुंची, जो एकदम अलग ही ड्रेस में नजर आ रही है। वो इस ड्रेस में ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में पहुंचे। टू बी एबल टू डू दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पर्पस। टू मी सक्सेस इज बीइंग एबल टू नो व्हाट योर पर्पस इज एंड लिविंग अ लाइफ दैट इज ड्रिवन बाय दैट पर्पस। It's not about winning a beauty title at 18 or winning an international title at 19 or being able to be in the movies, or none of that is success. Success is understanding what completes and fulfills joy in your heart. Thanks, man. Dr. Manjula Shroff, what are you planning next? So related to the book, so main nahi janti, hopefully there'll be another language translation. But ek cheez, you know, hum jab mainstream education karte hain, to hame board results ki bahut importance hota hai, because the school is known by the results, and so the teachers are always running towards syllabus completion, examination, bar bar, you know, question papers dete rehte hain. That is our task, right? I realized that if I am going to own up to this task, that main greater than, if I want to teach life and not just academics, then mere teachers se wo nahi ho payega, kyunki उनके 8 hours at school इस टाइम टेबल एकदम सेट इन स्टोन है, वो बिल्कुल हिला नहीं सकते उसको. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू डू इज, मेरी एक फंडा है, फिलॉसफी है, दैट अनलेस यू लिव अ होलसम लाइफ मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, देन आप जो दिया जी ने जिक्र की जो पर्पस ऑफ लाइफ है, यू विल मिस दैट. So what I have started to do is to start to train teachers and parents on purpose of life. If we have a generation of adults jo slightly higher vibration pe sochne lage, bacche apne aap sambhal jate hain, bachcho pe zyada kaam nahi karna padta. It is actually us adults that need to unlearn and then relearn. Bacche apne aap, bachchon ka jo innate intelligence ki jo baat hum kar rahe hain na, wo already hai. इतने लेयर्स नहीं हैं, हमारे बहुत लेयर्स हैं, उसको अनपील करना होता है. बच्चों में तो वो नहीं हुआ है. इफ वी गेट द पेरेंट्स एंड टीचर्स सॉर्टेड, चिल्ड्रन विल बी ऑन द राइट पाथ टू डिस्कवर देयर ओन पर्पस, व्हिच इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल. आई होप आई वांस. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आइए ना मेरे वर्कशॉप पे, यू आर मोस्ट वेलकम. आइडिया तो ये इनको जानती थी 10 साल से ज़्यादा, तो पब्लिक में
बहुत मतलब शी इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम वेयर शी कम्स एंड एवरीबडी नोज हर. तो ये क्यूरियस हो गई अनुरीता और उन्होंने बोला इनके बारे में तो लिखना पड़ेगा. व्हेन शी फाउंड आउट सर्टेन एस्पेक्ट्स अबाउट हर लाइफ एंड स्पेशली द चैलेंजेस दैट शी एक्सपीरियंस्ड देन शी डिसाइडेड दैट दिस इज़ अ स्टोरी टू बी टोल्ड हियर. यही कहा था ना आपने. चलो कितने टाइम लगा ऐसे देखा जाए तो मतलब अगर कंटिन्यूसली बैठो तो मेरे ख्याल से 6-8 महीने. बट हम मतलब इस पर जैसे मैंने कहा पूरा पैंडमिक में लगे थे. इनका पैंडमिक प्रोडक्टिव गया. नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है. मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ. मेरा सवाल डॉक्टर श्रॉफ से है. आप एक तरफ होलिस्टिक एक्सपर्ट हो और एजुकेशन में भी आप काफ़ी बिजी रहते हो, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होती है? आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम. एनी लीडर इज ओनली नोन बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स टीम. बिकॉज मेरी टीम इतना अच्छा काम करती है एकेडमिक्स में, मैं होलिस्टिक एजुकेशन में ध्यान दे सकती हूँ. अगर मैं डे टू डे ऑपरेशंस करती तो शायद वो जो एक्स्ट्रा मुझे करना था मुश्किल पड़ता. बट आई जेन्युइनली आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी गुड टीम. आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई ऑल्सो थिंक दैट वेन यू आर ड्रिवन विद पर्पस टाइम बिकम्स अबंडेंट. It opens itself up for you. It's very interesting. When we are stressed and we are filled with anxiety and we're not happy doing what we do, time becomes short. We lose time very fast. But when we're doing something that gives us joy, time opens up. That's my experience. That's what I've noticed. Thank you. Thank you, everyone. I'm not doing any one-on-one Q&A, so if you have any more questions, please ask them now. Thank you so much for the idea. Abhi tak to socha nahi hai. There's a lot that she's not revealed in this book. I want another book which has everything in it. Everything. I want to know everything. Mushkil kaam hai. Ye, and she'll have to write it herself because ye kisi ko batayengi nahi. Inko aise likhna hoga ki jaise aapne kaha. She'll have to write it like her own diary. Mushkil kaam hai. नहीं नहीं इट्स नॉट नो क्योंकि उनकी लाइफ और उनके थॉट्स पे है तो उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं इसमें. बट दिस इज़ नॉट अ बायोग्राफी. दिस इज़ अबाउट हर थॉट्स, अबाउट हर जर्नी एंड विच इज़ वेल इंटरस्पर्स्ड विद एक्सपीरियंसेस एंड लिटिल पर्ल्स ऑफ विजडम. बायोग्राफी बाकी है, वो मैं लिखवा के रहूँगी. हेलो यो, माय नेम इज़ पूजा. सो सबसे पहले तो आप तीनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तीन सक्सेसफुल महिलाएं एक साथ एक मंच पर बैठी हैं, तो यस बिल्कुल आप लोगों के लिए तालियां बनती हैं. और मेरा सवाल पूजा मैम से है कि आप महलों की रानी रही हैं, तो एक महलों की रानी से ऐसी क्या वो खास बात थी कि आपको उतना आलीशान जीवन छोड़ के एक आम सफर पर चलना पड़ा? वो एक किक पॉइंट बताइए मुझे कि क्या था वो. हाँ बोलिए. एक्चुअली यू ऑलरेडी रेड इट सो यू कैन टेल. मम्मी का पढ़ लिया लेकिन मेरे हिसाब से जी द टर्निंग पॉइंट फॉर हर वाज मेकिंग द चॉइस बिटवीन empowering herself and losing her identity. And I think because she was young, she had lost a lot of people she was very close to, she respected and loved. She had lost her mom, she had lost her uncle. The family would have gotten her married.
शी वॉज एट दैट यंग एज, शी वॉज 21. अगर ये चली नहीं जाती तो इनकी शादी हो जाती. सो शी चोज एजुकेशन, शी चोज टू स्टडी एंड डू इट ऑन हर ओन टर्म्स. दैट्स वॉट शी चोज. अमेजिंग. See, isn't it amazing? Absolutely. See, isn't it amazing? She's read the book, but she's a woman who thinks beyond. Correct. वो deeper thinking कर रही हैं, वो deeper layers पे think कर रही हैं, which is why she knows that आप अगर किसी चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं घर से, from a protected home, from a home that most people will think enviously about. जी. It has to be for your own growth and empowerment. और एक पैरा इन्होंने पढ़ा था, दैट माई मदर वॉज इज वेरी ब्यूटिफुल लेडी हु वॉज लाइक अ पॉर्सलिन डॉल, जिन की रोल थी टू लिसन एंड नॉट टू से. एंड इफ शी इज बीन माई रोल मॉडल, इट्स बीन अ रिवर्स रोल मॉडल. मैं बचपन से समवेयर आई रियलाइज दैट मेरी एक आवाज़ होनी चाहिए. आई विल नॉट बी जस्ट अ फॉलोअर. सो इट्स ऑल अबाउट एम्पावरमेंट. क्वेश्चन टू यू पूजा जी. जी जी. आर यू ऑल्सो पूजा? Yeah. Did you say Pooja? Haan. Yeah. जी जी जी. So one more question to you कि आजकल का जो youth है वो छोटी छोटी बातों पर disappoint हो जाता है, कुछ बड़ा फैसला ले लेता है, तो as a mentor आप उन youth को क्या समझाना चाहेंगी? क्या वो एक मंत्रा देना चाहेंगी कि मतलब छोटी सी, आपका life is very big, छोटी सी चीज़ों पर disappoint होना मतलब doesn't make sense. तो वो एक खास मंत्रा आज के youth के लिए क्या है आपका? सी, इस पे तो अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लगेगा. आई विल से इट एज वेरी ब्रीफली. यू आर राइट दैट यूथ डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ. यस. अगर एक पार्टी ड्रेस के लिए, एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किसी ने कुछ कह दिया, एक लड़की के लिए, एक लड़का के लिए अगर जिंदगी दे सकते हैं, दे टेक देयर लाइफ, डाई, दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ. यस. और शायद ये कमी हम में है एज अडल्ट्स, ये कमी हम में है एज टीचर्स, ये कमी हम में है एज पेरेंट्स कि हमने नहीं सिखा पाए हैं हाउ वैल्यूएबल लाइफ इज़. तो उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गिव देम मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, टू टेल देम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, दैट आप अगर 60% लाते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, आपकी ज़िंदगी में किसको याद है यहाँ पे? कितने परसेंटेज लाए हो आप 12th में? कोई फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में, आपकी सक्सेस में? बट ये चीज़ हम बच्चों को नहीं समझाते हैं. बिल्कुल. तभी तो वो अपना जान ले लेते हैं इफ़ दे डोंट गेट 90%, बिकॉज वी डोंट टेल देम. सो वो काम हम पेरेंट्स के जरिए कर रहे हैं. मैम, आई होप आई अंडरस्टैंड. या आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. Which in the absence of which all these things happen, you know, where small things appear very big. So one of the main key things that I think as parents and as elders in society that one has to do is to instill self-esteem in children. That in turn will probably look after other things. What did you do? In my experience, I've realized that, and it happened with me as well, I think what became a huge shift in my understanding of life was getting involved with social work. And I think that that's something that should become an innate part of every child's development and growth. When you work with people who do not have as much as you do, you develop a sense of gratitude. And gratitude is a very powerful thing. It's a very humbling thing. It's a very important tool to get through life. It is when we are ungrateful that we are so easily dissatisfied. That's one. The second is also, like ma'am mentioned, I think when you're able to make a difference in people's lives, no matter how young you are, and everyone is capable of doing that, it develops and strengthens self-esteem. And then also, of course, you recognize the value of life. So I really think that, and this is something that my school did consciously with us, and I've continued to do through life. The one thing that has ensured that I've remained grounded and rooted is the work I do outside of films.
it keeps me in touch with reality, it keeps me in touch with the truth, it keeps me humble, it keeps me grateful. And I really think that this is something very powerful that everyone should do. Help make a difference in people's lives. We'll be doing Janta Bites. Yes, yes, roll. Center. ये बहुत खूबसूरत किताब लिखी गई है. अनुरीता राठौर जडेजा ने डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ के बारे में ये किताब लिखी है. ऑफ कोर्स एक इसे बायोग्राफी नहीं कहा जा सकता. इट्स मोर अ शेयरिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपको इनके ज़िंदगी के छोटे 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 विंडोज़ मिलते हैं, एनेक्डोट्स मिलते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स इज हिडन इंस्पिरेशन एंड विजडम एंड शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी इंसाइटफुल. मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में देखा है कि जब भी हम ओपनली शेयर करते हैं और इतनी ऑनेस्टली शेयर करते हैं, तब वो जो शेयरिंग होती है या जो बात होती है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है. इट रियली टचेस पीपल. सो आई थिंक ऑफकोर्स ये एडुपेनर है, इनकी मतलब एजुकेशनल संस्थाएं हैं ये. शी इज़ समबडी हु इज़ बीन अ लीडर फॉर मैनी मैनी ईयर्स. और ये बच्चों के लिए एक आइकॉन है, ये एक इंस्पिरेशन है. तो जब वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनसे और भी प्रेरित होंगे, उनसे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी. आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक फॉर वुमेन, क्योंकि हमारे देश में कल्चरली हम सब जानते हैं कि औरतें अभी भी बहुत मुश्किल से अपना जो हक की जगह होती है उसे आसानी से नहीं मिलती. बहुत संघर्ष होते हैं औरत की ज़िंदगी में टू फाइंड हर ट्रू कॉलिंग, टू फाइंड हर प्लेस, टू बी एबल टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू, टू परस्यू व्हाट शी केयर्स अबाउट. एंड ये एक रॉयल्टी में पैदा हुई. इन्होंने वो ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ी अपनी खोज में, अपनी सच्चाई की खोज में, विच इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस बुक. सो आई होप मैनी यंग पीपल रीड इट एंड आर इंस्पायर्ड बाय इट, एंड आई होप स्पेशली वुमेन रीड इट एंड आर इंस्पायर्ड बाय इट. देखा, मैं इतनी बार खोई हूँ वो बसेस में, मैं बता नहीं सकती आपको. मुझे ये नहीं पता होता था कि किधर उतरना है, कौन सी बस चढ़ना है. तब से अब तक बहुत सीख गई हूँ, बहुत कुछ सीख गई हूँ. अब मैं पूरी दुनिया के लिए ट्रैवल करती हूँ. प्रैक्टिकली द होल वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड अलोन. एक ज़माना था एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाने में घबराहट होती थी, राइट? जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत ही होती है. सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट लिटरली. जैसे दिया जी ने कहा, आई रियली होप कि मैं इस बुक्स के ज़रिए यूथ को इंस्पायर कर सकूं. मैं वैसे यूथ के साथ काम करती हूं, उनकी वेलबींग सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. इट्स नॉट ओनली माई कैरियर, इट्स ऑल्सो माई पैशन. हर एक नेगेटिव चीज़ जब हो जाता है, एक बच्चा कहीं पर कुछ कर जाता है, आई ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग हमने और क्या कुछ कर सकते थे, हम कहाँ कमी, वेर इज़ द गैप, वी आर ट्राइंग सो हार्ड, वेर इज़ द गैप. आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में
some class 9, 10 boys have harassed their own classmate. अब आप समझें, हर रोज आप मिलते हो, ये आपकी दोस्त है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप हैरेस कैसे कर सकते हो? सो समथिंग इज रॉन्ग. आई होप दैट वी कैन सेट थिंग्स राइट. एक बुक से तो होगा नहीं, बट कहीं तो शुरुआत है. यू नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ लीडर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और शायद इस बुक उस जरिए थोड़ी सीरियसनेस मिलेगी. बट यू नो व्हेन इट्स पीपल लाइक हर, why do they say movies speak more? When people like her come and say the same thing, it's a validation of what we are saying, and a lot many more people believe it. And therefore she's using her position rightly and wisely, right? Somewhere she's, Anurita belongs to your fraternity, yeah, somewhere she said that inke bare mein likha jayega to shayad we can bring a change. She took her own profession seriously. Like I said earlier, मैं power of the book seriously नहीं समझी थी. I did not know that a book can be so powerful. And पता है ये रह जाएगा long after me. My thoughts will stay long after me. So thank you for giving words to my thought, and thank you for believing and spreading my thoughts. Thank you. Seriously. और ये proof है ना, women are helping each other. वो bottom line है. सच बोलें तो मुझे चैलेंजिंग इसीलिए नहीं लगा क्योंकि जब ये बातें कर रही थी अपने एजुकेशन और वो सब तो हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, पर उसके बियॉन्ड जो ये बातें करती थी लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे हेल्प कर सकते हैं ये सब, तो वो सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो मैं भी बिलीव कर रही हूँ. दैट इज़ वाई इट बिकेम ईजी टू राइट दिस बुक, बिकॉज उनके जो थाट्स हैं वो रेजोनेट किए, और मैंने लिखा उसके बाद वो कह रही हैं कि उनको रेजोनेट किए. तो आई थिंक समवेयर यू नो वो बोलते हैं ना, पजल अच्छे से बैठ गए. इनकी शादी अच्छी हुई. या राइटर, समबडी हु इज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट यू हैज़ टू बी मैरिड टू यू इन माइंड एंड थॉट, नो, टू बी एबल टू राइट. या आई हैव टू से दैट देयर वर नो चैलेंजेस. मतलब मैं अगर इनसे ईमेल में भी कभी बात करती थी, कभी फ़ोन पे बात करती थी, कभी मिल के बात करती थी, पर वो अगर मुझे दो सेंटेंसेस बोलते थे मेरे प्रश्न के, तो उनको चार या पांच मैं बना के अगर जब बताती थी तो उन्हें लगता था कि अरे ये सब तो उन्होंने ही कहा है. सो दिस इज़ हाउ इट वॉज, एंड दैट आई थिंक वॉज इन्जॉयबल फॉर मी एज वेल. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके मन में घुस चुकी हूँ. इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कराना चाहिए, गुजराती तो किया हुआ है. जी कोशिश करेंगे, इफ वी फाइंड अ पब्लिशर हु ट्रस्ट दिस टू मेक इट इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस. मैं ओरिसा से हूँ, होपफुली उड़िया में एक किताब करेंगे. हिंदी में तो करना ही चाहिए बिकॉज भारत भाषा हिंदी है, बट वो तो आगे देखा जाएगा. वील डेफिनेटली होप फॉर दैट. और जो ऑटोबायोग्राफी दिया जी ने बोला कि मैं छोड़ूंगी नहीं, आई होप समथिंग विल हैपन, आई होप आई गेट द गट्स टू डू दैट. ऑटोबायोग्राफी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए. जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे. अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है. फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है. यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है. ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते. इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे है. तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्म की स्टोरी भी आपको बताएंगे.
बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए हैं। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे ही सिनेमाघरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा, वो भी Amazon प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी। और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था, इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्मों में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्मों में नहीं था, लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म पे, और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की, तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सलगावंकर परिवार, जाने क्या है फिल्म दृश्यम 2 की कहानी। दृश्यम फिल्म जिसमें अजय देवगन और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से सभी लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और इसके सीक्वल को देखने के लिए बेकरार थे, तो आपको बता दें कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम के बाद 2022 में इस फिल्म का अगला पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। 7 साल बाद एक बार फिर अजय देवगन यानी विजय सलगावंकर का केस खुल रहा है। इस केस को अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ट्रेलर पिछले ट्रेलर और फिल्म की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। पिछली फिल्म में जो मर्डर हुआ था, उसकी बॉडी की तलाश 7 साल बाद भी जारी है। कई ट्विस्ट और टर्न्स है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली फिल्म की तरह यह फिल्म भी एक इमोशनल रोल कोस्टर और एक शानदार थ्रिलर होने वाली है। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन का किरदार यह कहता है कि वो पुलिस के सामने कन्फेशन करने जा रहा है। वो कन्फेशन क्या है, उसमें क्या बोला जाता है और पुलिस का रिएक्शन उस पर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब लोगों को फिल्म में ही मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर समेत कई दूसरे सितारे हैं। दृश्यम 2 थिएटर्स में 18 नवंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। अगर आपको फिल्म दृश्यम 2 का लुत्फ उठाना है, तो उससे पहले आपको दृश्यम फिल्म जरूर देखनी होगी, जिसके चलते आपको फिल्म का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको दृश्यम की कहानी बताते हैं, जिसको आपको दृश्यम 2 देखने में आसानी होगी। विजय सलगावंकर का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में किया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल टीवी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, और उनकी छोटी अनु 6ठी कक्षा में है।
अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन्य पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकतें हैं, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैर हाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिसमें सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छुपाते देख लेती है। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल है। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे उसे देख लेता है, जो विजय से भैर भाव रखता है। विजय पणजीम के सफर में सैम के मोबाइल सिम और कार को ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पणजीम में फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने घूमने जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सैम की गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौकाए वारदात के मामले की छानबीन करेगी, पर जब वही सवाल प्रत्येक सदस्यों से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करके वो रेस्टोरेंट की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा सभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलता है, जिससे ये प्रमाण किया जाए कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अनु मार के डर से शव छिपाने जाने के स्थान का पता बताती है, फिर उसी खाद वाले गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत विक्षत बछिए का शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय एन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई कराता है। नतीजन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छिपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वहीं दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर अप्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसे के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में जाहिर चढ़ाने पहुंचता है। वहीं नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। जो ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते हैं, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमा रही करोड़ों में दृश्यम 2 सफलता से खुश अजय देवगन ने रखी शानदार पार्टी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की रिलीज को एक पखवाड़ा होने आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड में भी फिल्म का जलवा बरकरार है।
दृश्यम 2 ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से ही किया धमाका करने वाली है। 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 14 दिनों तक काफी शानदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन इसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दृश्यम 2 ने 21.59 करोड़ जुटाए और तीसरे दिन 27.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन की परीक्षा में भी फिल्म ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 11.87 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इसके बाद वीकेंड्स के कारण आठवें दिन तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार मामूली गिरावट जा रही। पांचवें दिन फिल्म ने 10.48 करोड़ रुपए कमाए, छठे दिन 9.55, सातवें दिन 8.62 करोड़ और आठवें दिन 7.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे वीकेंड्स में भी फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल आया। दृश्यम ने नौवें दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाए और दसवें दिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17.32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई फिर घटी और इसमें मामूली गिरावट जारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह को देखते हुए और उस पर भी वीकेंड्स में फिल्म का यह कलेक्शन खराब नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11वें दिन फिल्म ने 5.44 करोड़ रुपए जुटाए, 12वें दिन 5.15 करोड़ और 13वें दिन 4.68 रुपए कलेक्शन किया। और फिल्म का 14 दिन का कलेक्शन भी काफी शानदार रहा है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 4.30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 163.47 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे सप्ताह के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वीकेंड में भी एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा। फिल्म का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। और अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बात करें सामने आई वीडियोस में, तो वीडियो में एक्ट्रेस तब्बू ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंची थी। उनका ये लुक खूब वायरल हो रहा है। वही फिल्म में अजय देवगन की पत्नी बनी श्रिया सरन दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वही बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दृश्यम 2 के सक्सेस पार्टी में आए बेहद सादगी भरे लुक में नजर आए हैं। उनका ये लुक लोगों को खूब पसंद आया। इस पार्टी में अजय देवगन की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही इशिता दत्ता भी पहुंची, जो एकदम अलग ही ड्रेस में नजर आ रही है। वो इस ड्रेस में ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में पहुंचे। मैम सामने अरे यार मैम यहाँ पे आ जाइए। अरे यार गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाए मैम। एक्सक्यूज मी बोथ ऑफ यू, लुक इन दिस कैमरा प्लीज। थैंक यू सो मच। यहाँ पे फोटो मैम, एक्सक्यूज मी, वेट 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 मैम। अरे वेट, देख 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 देख। थैंक यू। मैम 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 लुक यार, मैम 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 वेट वेट वेट। सर लुक ऑन योर राइट, सर लुक वीडियो सर ऑन योर राइट सर। Thank you.
भाई हाँ वैसे ही रहते अभी ये लाइट को चेंज कर दिया यार सर इस तरफ भाई जैसा था वैसे ही कर यार अर्जुन सर ऑन योर राइट अर्जुन सर यहाँ पे वो तो भी ऑन योर राइट सर अर्जुन सर मैम सर यहाँ पे सर टर्न दिस एंड सर वेट 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 अर्जुन भाई इधर इधर अर्जुन भाई इधर 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 भाई पहले वीडियो बाय बाय लुक इधर राइट सर लुक सेंटर मैम राइट मैम यू आर राइट मैम राइट सर 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 यहाँ पे आ जाइए सर थोड़ा सा पीछे ही अरे अरे ये क्यों चमक रही है सर दिस सर दिस जस्ट वेट सर वेट सर पोज दीजिए जैकेट थैंक यू थैंक यू सर 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 राइट राइट सर ऑन योर राइट सर हो गया सर मतलब साथ में चल के वॉकिंग 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 सर वॉकिंग 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 क्या करता है वेट 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 लुक स्ट्रेट सर 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 वीडियो के लिए सर सोनिया राइट सर
मैम थोड़ा सा थोड़ा मैम कोई भी हो मोना हो सोना हो अरे मैम ऑन योर राइट आने तो दे इधर इधर से राइट तब तक ले प्रोफाइल छाप मैम योर राइट मोना जी मैम यहाँ पे टर्न हो जाइए ना थोड़ा एक मिनट वेट 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 भाई रुकने दे यार विजुअल फोटो तो एक मारते विजुअल तो लेने दे मोना जी लुक योर राइट अरे रुक जा कितना फोटो मारेगा हम लोग क्या यहाँ पे देखने के लिए आए क्या ये हुई ना बात मैम वीडियो के लिए एक बार टर्न टर्न फुल टर्न बैक टू फ्रंट मैम वीडियो वीडियो थैंक यू सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन तब्बू अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है। ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते। इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्मों की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए हैं। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे सिनेमाघरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा, वो भी Amazon प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था, इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्म में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्म में नहीं था लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है।
तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर Amazon Prime प्लेटफॉर्म पे और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। 7 साल बाद अतीत से रूबरू होगा सलगावंकर परिवार, जाने क्या है फिल्म दृश्यम 2 की कहानी। दृश्यम फिल्म जिसमें अजय देवगन और श्रिया सरन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से सभी लोग इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और इसके सीक्वल को देखने के लिए बेकरार थे, तो आपको बता दें कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम के बाद 2022 में इस फिल्म का अगला पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। 7 साल बाद एक बार फिर अजय देवगन यानी विजय सलगावंकर का केस खुल रहा है। इस केस को अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ट्रेलर पिछले ट्रेलर और फिल्म की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। पिछली फिल्म में जो मर्डर हुआ था उसकी बॉडी की तलाश 7 साल बाद भी जारी है। कई ट्विस्ट और टर्न्स है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली फिल्म की तरह यह फिल्म भी एक इमोशनल रोल कोस्टर और एक शानदार थ्रिलर होने वाली है। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन का किरदार यह कहता है कि वो पुलिस के सामने कन्फेशन करने जा रहा है। वो कन्फेशन क्या है, उसमें क्या बोला जाता है और पुलिस का रिएक्शन उस पर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब लोगों को फिल्म में ही मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर समेत कई दूसरे सितारे हैं। दृश्यम 2 थिएटर्स में 18 नवंबर 2022 को रिलीज हो जाएगी। अगर आपको फिल्म दृश्यम 2 का लुत्फ उठाना है तो उससे पहले आपको दृश्यम फिल्म जरूर देखनी होगी, जिसके चलते आपको फिल्म का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए हम आपको दृश्यम की कहानी बताते हैं, जिसको आपको दृश्यम 2 देखने में आसानी होगी। विजय सलगावंकर का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में किया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल टीवी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन्य पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकतें हैं, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैर हाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिसमें सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छुपाते देख लेती है। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल है। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे उसे देख लेता है, जो विजय से भैर भाव रखता है। विजय पणजीम के सफर में सैम के मोबाइल सिम और कार को ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पणजिम में फिल्म देखने और रेस्टोरेंट में खाने घूमने जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सैम की गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है।
मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौकाए वारदात के मामले की छानबीन करेगी, पर जब वही सवाल प्रत्येक सदस्यों से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करके वो रेस्टोरेंट की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा सभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलता है, जिससे ये प्रमाण किया जाए कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अनु मार के डर से शव छिपाने जाने के स्थान का पता बताती है, फिर उसी खाद वाले गड्ढे की खुदाई में उन्हें क्षत विक्षत बछिए का शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय एन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई कराता है। नतीजन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छिपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वहीं दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर अप्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसे के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में जाहिर चढ़ाने पहुंचता है। वहीं नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। ज्यों ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते हैं, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमा रही करोड़ों में दृश्यम 2 सफलता से खुश अजय देवगन ने रखी शानदार पार्टी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की रिलीज को एक पखवाड़ा होने आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड में भी फिल्म का जलवा बरकरार है। दृश्यम 2 ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से ही किया धमाका करने वाली है। 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 14 दिनों तक काफी शानदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा ये फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन इसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दृश्यम 2 ने 21.59 करोड़ जुटाए और तीसरे दिन 27.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन की परीक्षा में भी फिल्म ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 11.87 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इसके बाद वीकेंड्स के कारण आठवें दिन तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार मामूली गिरावट जा रही। पांचवें दिन फिल्म ने 10.48 करोड़ रुपए कमाए, छठे दिन 9.55, सातवें दिन 8.62 करोड़ और आठवें दिन 7.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे वीकेंड्स में भी फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल आया। दृश्यम ने 9वें दिन करीब 14 करोड़ रुपए कमाए और 10वें दिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17.32 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई फिर घटी और इसमें मामूली गिरावट जारी है। लेकिन दूसरे सप्ताह को देखते हुए और उस पर भी वीकेंड्स में फिल्म का यह कलेक्शन खराब नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11वें दिन फिल्म ने 5.44 करोड़ रुपए जुटाए, 12वें दिन 5.15 करोड़ और 13वें दिन 4.68 रुपए कलेक्शन किया। और फिल्म का 14 दिन का कलेक्शन भी काफी शानदार रहा है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 4.30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 163.47 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे सप्ताह के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वीकेंड में भी एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा। फिल्म का जलवा इसी तरह बरकरार रहा तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। और अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।
बात करें सामने आई वीडियोस में, तो वीडियो में एक्ट्रेस तब्बू ब्लैक कलर की ड्रेस में पहुंची थी। उनका ये लुक खूब वायरल हो रहा है। वही फिल्म में अजय देवगन की पत्नी बनी श्रेया शरण दृश्यम 2 की सक्सेस पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वही बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दृश्यम 2 के सक्सेस पार्टी में आए बेहद सादगी भरे लुक में नजर आए हैं। उनका ये लुक लोगों को खूब पसंद आया। इस पार्टी में अजय देवगन की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही इशिता दत्ता भी पहुंची, जो एकदम अलग ही ड्रेस में नजर आ रही है। वो इस ड्रेस में ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इस पार्टी में पहुंचे।